हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो देखकर शायद आप लोगों का मन बदल जाए अगेंस्ट बॉलीवुड मूवीज। आज के टाइम पर बॉलीवुड में अभी भी एक ऐसा मूवी है जो मूवी तो नहीं मूवी सीरीज है, जो इंडियन मूवीज को एक नया दिशा दिखाएगी और हॉलीवुड के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। उस मूवी सीरीज का नाम है टाइगर। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, यही एक मूवी है जो हॉलीवुड तक जाने का भरोसा भी देता है और जाने का ताकत भी रखता है। चलिए आगे देखते हैं कैसे। इससे पहले हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को तो पहले से ही पता होगा कि टाइगर 3 10 नवंबर को रिलीज हो रहा है अपनी नजदीकी सिनेमा घरों में, जिसमें लॉर्ड्स ऑफ एक्शन, डायलॉग्स, लॉर्ड्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स, जिस तरह सभी वायर स्पाई यूनिवर्स मूवीज में रहता है, सुनने में आया है, जिसे देखकर क्रिस वांस काफी इंप्रेस हुए हैं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ एवेंजर एंडगेम, द वॉरन अल्टीमेटम एंड स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। क्रिस वांस का कहना है कि वो चाहते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। अगर सच में ऐसा हुआ ना तो एवेंजर्स के अंदर 3 नए मेंबर्स ऐड होंगे, वो हैं टाइगर, पठान एंड कबीर। सोचो जरा, सोचो दोस्तों, अगर ऐसा हुआ ना तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का स्टेटस कहां से कहां तक जाएगी और टाइगर एंड पठान का डंका हॉलीवुड में भी बजेगा। टाइगर 3 का डायरेक्टर मिस्टर मनीष शर्मा कहते हैं कि टाइगर 3 इज नॉट जस्ट ए अनदर स्पाई फिल्म, इट्स एन इमर्सिव सिनेमेटिक एक्सपीरियंस जो किसी ने भी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। हम कमिटेड हैं कि ऑडियंस को लार्जर देन लाइफ एंड ब्रेथलेस एक्सपीरियंस देंगे इस फिल्म के थ्रू। अब सिर्फ हमें देखना यह है कि कौन सा पानी कहां जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।